हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम करेंगे द क्वेश्चन ऑफ मैंगोज लेसन की हम समरी ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है थीके? इस लेसन का हम बुक वर्क करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वो स्वामीनाथन ठीक है अब स्वामीनाथन कहाँ पे था क्लासरूम में था फादर के रूम में था या पार्क में था या फ्रेंड के हाउस में था ठीक है स्टोरी अगर आपने अच्छे से रीड की है तो आपको पता लग गया होगा कि वो कहाँ पर था फादर के रूम में ठीक है सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्वामी नाथन का जो फादर था वॉन्टेड हिम टू वो क्या चाहता था उसे कि वो इंग्लिश ऐसे करे पोएम लर्न करे ये मैथ प्रॉब्लम सिंपल है कि मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था ठीक है द थर्ड क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम गिवन टू स्वामीनाथन इन्वॉल्व अब प्रॉब्लम क्या जो दी गई थी वो क्या प्रॉब्लम थी वो वो डिवीज़न के ऊपर बेस थी क्योंकि डिवाइड करेगा तभी तो उसको पता लगे ना कि आंसर क्या है ठीक है जैसे कि आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही आपको पता लग रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि उसको टेन मैंगोज हैं ठीक है टेन मैंगोज को आ, के लिए वो फिफ्टीन आना चाहिए ठीक है थीके? तो फोर के लिए तो उसको डिवाइड करके हमें पता चलता है ना तो इसमें डिवीजन आपका आ जाएगा फिर उसके बाद क्या है कि कितने मैंगोज है जो कृष्णा को मतलब कि वो लेना चाहता है ठीक है मैंने मैंगोज वो भी इसमें ले डायरेक्टली लिखा, लिखा होगा कि कृष्णा को मैंगो फोर चाहिए तो फोर ही आंसर होगा स्वामीनाथ वान्टी टू नो इफ स्वामीनाथ क्यों जानना चाहता था कि क्या जानना चाहता था कि मैंगोज राइप है ठीक है एप्पल और ग्रेप्स और बनाने की तो बात ही नहीं हो रही है तो मैंगो की तो मैंगो कोई टिक्कर हो गया ठीक है ट्रू और फॉल्स स्वामीनाथन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम दैट वॉज गिवन टू तो हिम बाय वाईज फादर ठीक है तो क्या इजिली सॉल्व कर पाता है इजिली तो नहीं कर पाता ना वो उसके मतलब उसको कितना टाइम लगता है

ठीक है तो ट्रू स्वामीनाथन फादर टोल्डी ही कुड सोल्व द प्रॉब्लम लेटर आफ्टर ही हैड हाँ प्लेड विद हिज फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं वो उसको परमिशन नहीं देता खेलने के लिए वो वहीं पे बैठा रहता है जब तक तो सॉल्व नहीं करता तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फॉल्स आएगा ठीक है तो अभी ये क्वेश्चन हमारे थोड़ा ब्रीफली में देने आपने फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट किया है फिर हमारे डिटेल में ठीक है वी विल डू तो वन बाय वन वट डिड स्वामीनाथन हैव विद हिम वेन ही वेंट हिज फादर रूम स्वामीनाथन के हाथ में क्या होता है जब अपने फादर के रूम में जाता है तो स्वामीनाथन हैड स्लेट इन हिज हैंड एंड पेंसिल रेडी वैन ही वेंट टू हिज फादर रोम कि स्वामी के हाथ में क्या होता है एक स्लेट होती है और पेंसिल होती है रेडी होती है और वह फिर उसके फादर के रूम में जाता है आई रिपीट स्वामीनाथन हैड अ स्लेट इन इज़ हैंड एंड पेंसिल रेडी वैन ही वेंट टू हिज़ फादर रोम सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम विच बुक डि स्वामीनाथन फादर डिक्टेट द प्रॉब्लम किस बुक में से उसके जो फादर हैं वो डिकटेट करते हैं उसको आंसर uh, और क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आंसर स्वामीनाथन फादर डिक्टेटेड द प्रॉब्लम फ्रॉम आर्थमेटिक बुक ठीक है सिंपल आर्थमेटिक बुक आपको याद रखना फिर थर्ड क्वेश्चन हु वॉज कृष्णा वाई वाज स्वामीनाथन फीलिंग सॉरी फॉर हिम अब कृष्णा कौन था इसमें कृष्णा वॉज द मेन कैरेक्टर ऑफ इज फादर क्वेश्चन ठीक है दैट वॉज आस्क टू स्वामीनाथन ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर हिम बिकॉज ही वॉज कॉल्ड पी बिकॉज ऑफ हिज अ स्मॉल साइज अब जो कृष्णा था वो तो करेक्टर तो उस जो उसके फादर ने क्वेश्चन पूछा तो उसी का ही हुआ ना ठीक है स्टोरी का करेक्टर थोड़ी उसके क्वेश्चन का ही करेक्टर है दैट वाज वॉज टू स्वामीनाथन ही वाज फीलिंग वेरी सॉरी सॉरी फील क्यों कर रहा था उसके लिए कृष्णा के लिए क्योंकि बिकॉज ही वाज कॉल्ड पी मतलब कि एंड ऑफ ऑफी स्मॉल साइज ठीक है उसको पी बोलता है और वो क्योंकि उसका स्मॉल साइज होता है ठीक है सॉरी ये पेज ही टर्न हो गया मेरा ठीक है फिर उसके बाद आपने क्या बताना है कि वट अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन कंटेन द की टू द होल क्वेश्चन ठीक अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन कि प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है मेन सॉल्यूशन कैसे होगा ठीक है तो उसके लिए आपने क्या बताना है क्योंकि ही वॉन्टेड टू नो मैंगोज वर राइप और नॉट ठीक है क्योंकि वो यही जानना चाहता था पहले तो क्योंकि मैंगोज है राइप है या नहीं है यही ठीक है तो अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन द मतलब कि आप इसमें क्या लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन ही वॉन्ट टू नो मैंगोज व राइप और नॉट कंटेन द की टू द होल प्रॉब्लम क्लियर वट वॉज द आंसर दैट स्वामीनाथन गिव टू द प्रॉब्लम वॉज इट करेक्ट कि आंसर क्या था उसने जो मतलब दिया जो स्वामीनाथन ने उस प्रॉब्लम का और क्या वो सही था तो आपने क्या बताया द दोल्यूशन दैट स्वामी वर्क आउट टू द प्रॉब्लम वॉज दैट कृष्णा वुड हैव टू पे सिक्स अन्ना टू कृष्णा फॉर मैंगोज द आंसर वॉज करेक्ट ठीक है क्योंकि जो सोल्यूशन uh, था स्वामी ने जब उसमें वर्क किया तो प्रॉब्लम क्या था problem थी कि जो कृष्णा है वो उसको सिक्स अन्ना पे करेगा क्योंकि उसको फोर मैंगो चाहिए ना एंड द आंसर वॉज करेक्ट जो आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट था क्लियर तो द सोल्यूशन दैट स्वामी वर्कड आउट टू द प्रॉब्लम वॉज दैट कृष्णा वुड हैव टू पे सिक्स अन्ना ठीक है टू राम फॉर मैंगोज द आंसर वॉज करेक्ट अब एक्सट्रैक्ट में क्या है हमारा वी आर नॉट टॉर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन आर स्कूल तो हु सेट दिस वर्ड एंड टू अब दिस थिंग सेज टू स्वामीनाथन ठीक है टू हिज फादर सेकेंड क्वेश्चन क्या है वट डज द स्पीकर मीन बाई दिस काइंड ऑफ थिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स मीन्स द क्वेश्चन दैट वॉज आस्ड बाई हिज फादर टू हिम कि जो क्वेश्चन उसके पापा ने उससे पूछा था ना तो उसके लिए वो दिस काइंड ऑफ थिंग यूज किया गया सेकंड क्वेश्चन द लॉन्गर ही हैजिटेटेड द मोर वॉल एंड द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग हु इज इन द अब सेंटेंस ही इज इन द अब सेंटेंस इज अ स्वामीनाथन वट वॉज ही हैजिटेटिंग इन डूइंग ही वॉज हेजिटेटिंग टू मतलब की ही वॉज हेजिटेटिंग बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ठीक है क्या करने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करने में तो आपने ये बताना है कि वॉज हैजिटेटिंग बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चन वट डज द ट्विस्ट रेफर टू एंड वाई वॉज इट बिकमिंग वॉर वायलेंट अब इसमें ट्विस्ट वर्ड क्या रेफर करता है ट्विस्ट रेफर्स टू द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन विल बी सोल्व बाई एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न क्योंकि ट्विस्ट का मतलब क्या कि क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा ना ट्विस्ट के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहा था क्यों नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था क्वेश्चन उसको मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना सब्ट्रेक्ट करना डिवीजन करना तो दिस यू हैव टू टेल कि ट्विस्ट है टू द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन बिकॉज यू कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन विल बी सोल्व बाय एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रेक्शन एंड डिवीजन आंसर दिस क्वेश्चन इन ना डिटेल अब आपको आंसर क्या देने हैं कि वट वॉज द स्वामीनाथन रिएक्शन वेन ही वॉज आस्क क्वेश्चन बाई हिज फादर थॉट केम टू हिज माइंड कि स्वामीनाथन का क्या रिएक्शन होता है जब वो उसके फादर से मतलब कि क्वेश्चन uh, पूछता है उसका जो फादर से और उसके माइंड में क्या थाट आता है ही वॉज मतलब कि अब देखो जो स्वामीनाथ का रिएक्शन क्या होता है स्वामीनाथ का रिएक्शन क्या होता है कि वो बिल्कुल एकदम से अमेज हो जाता है ठीक है ही वॉज अमेज मतलब कि आप यहाँ से लिख सकते हो कि स्वामीनाथन वॉज अमेज वेन ही वॉज आज द क्वेश्चन बाई हिज फादर एंड हिज माउथ बिगेन टू वाटर एट द थॉट ऑफ मैगोस कि जो उसके मुंह में पानी आ जाता है ना जब मैंगो का थोट आता है तो आप ये बता सकते हो कि हिज माउथ बिगेन टू वाटर एट थॉट ऑफ मैंगोस क्लियर सेकेंड क्वेश्चन क्या है वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट टू स्वामीनाथन टू नो वेदर द वर राइप और नो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है ये जानना कि जो मैंगो थे वो राइप थे या नहीं राइप थे ठीक है तो उसके लिए वो जाना इसलिए था क्योंकि मतलब कि इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर स्वामीनाथन टू नो वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट बिकॉज ही एक्वायर्ड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन इन अ न्यू मीनिंग ठीक है ही वॉज थिंकिंग दैट इफ दे आर राइप ठीक है सॉरी इफ दे वर राइप फिफ्टीन अमाउंट जो फिफ्टीन अन्ना माइट नॉट बी एन इम प्रोपेबल प्राइज इफ दे आर अनराइप देन ही वुड बी ग्रीडी मतलब आप क्या बता सकते हो क्योंकि वो इस क्वेश्चन को पहली बात तो ये थी कि वो क्यों था उसके लिए जानना। क्योंकि उसने जो क्वेश्चन का जो मैंने आपको गलत तो नहीं बता दिया नहीं बिल्कुल सही है इसका आंसर कि स्वामीनाथन उसका इम्पोर्टेंट मतलब कि क्यों जानना चाहता था कि राइप है या नहीं राइप है हाँ वो यही था क्योंकि उसने बिकॉज बिकॉज मतलब ये क्वेश्चन इस लाइन लिखी कि इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर स्वामीनाथ टू नो वेदर द मैंगोज वर राइट और नॉट बिकॉज ही अक्वायर्ड मीनिंग ऑफ क्वेश्चन इन अ न्यू मीनिंग क्योंकि उसने मीनिंग क्वेश्चन का आंसर एक नई तरीके से एक्वायर किया था और ही वॉज थिंकिंग दैट इफ दे वर राइट फिफ्टीन अनर्स माइन माई नॉट बी एन इम्प्रॉबेबल प्राइज इफ देर अनराइट देन ही वुड बी ग्रेडी क्योंकि अगर वो राइप होंगे तो फिफ्टीन एन मतलब कि गलत नहीं होगा देना अगर वो अनराइप है तो वो इसका मतलब वो ग्रीडी है क्लियर वट डिड स्वामीनाथन फादर डू वेन हिज सन टोल्ड हिम ही कुड नॉट नो डू द सम वॉज स्वामीनाथन एबल टू गिव द राइट आंसर इन द तो आपने बताया कि हिज फादर सीम टू टॉर्चरिंग हिम ठीक है कि उसके फादर उसको टॉर्चरिंग कर रहे थे येस ही वॉज एबल टू गिव द राइट आंसर इन द एंड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज स्वामीनाथन ओपिनियन ऑफ कृष्णा राम एंड रामा कृष्णा और रामा के बारे में वो क्या सोच रहा था ही वाज थिंकिंग कृष्णा वाज लाइक द पी मतलब हुज रियल नेम वाज द सैमुअल ही वाज कॉल्ड सैमुअल बिकॉज ऑफ अ स्मॉल साइज एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट रामा दैट ही वॉज लाइक अ शंकर बिकॉज द मोस्ट पिलियंट बॉय ऑफ हिस क्लास ठीक है मतलब जब कृष्णा के बारे में तो वो क्या सोचता है कि वो एक जैसे एक रियल करेक्टर था सेम्यल कि वो पी है ठीक है पी क्यों क्यों बोलता है क्योंकि स्मॉल साइज कितना और रामा को वो शंकर की तरह कहता है जो उसकी क्लास में मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय होता है क्योंकि वो डिटरमिंड होता है ना कि ही वॉन्ट uh, मतलब कि फिफ्टीन अनर्स फॉर द टेन मैंगोज तो ये मतलब कि ही हैज दिस काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैम राइट अ ब्रीफ करेक्टर इसका जॉब स्वामीनाथन बेस्ड ऑन द तो हम इसके रीडिंग के बेस पे हम इसको इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो स्वामीनाथन था वो क्या था वो ओज एन इनोसेंट बॉय ठीक है और हम क्या लिख सकते हैं इसके अलावा या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि स्वामीनाथन वॉज ए क्यूरियस क्यूरियस तो था ही क्योंकि उसको ये रहता है कि भाई इसको शुभ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं किस तरीके भी तो क्यूरियस भी आप लिख सकते हो ठीक है इमेजिनेटिव भी लिख सकते हो एंड इनोसेंट बॉय भी लिख सकते हो ठीक है तो ही इज़ क्यूरियस इमेजिनेटिव and uh, uh, innocent boy okay at the same time he is also fearful and insecure because when he was not able to find uh, the solution of the question so uh, he becomes scared okay and he always uh acquired uh, the solution of the meaning in a uh, in a different manner okay and uh, because he is a like a creative kind of a student, okay? he does not uh, solve uh, the question normally. He Rather than he thinks uh, uh, the question uh, according to his own opinion. Okay? That's why he takes a lot of time to solve that question. Okay, so it is your perception. You can write anything, meaning whatever you feel about him. But according to me, uh, these lines are sufficient okay if you find this video a little bit helpful so please comment and uh, don't uh, forget to share and like okay bye bye meet you in next video till then be happy